सहकारी विपणन समिति के अधिकारियों की उदासीनता के चलते हजारों क्विंटल धान पानी में भींग कर खराब हो गया। अब अधिकारी लीपा पोती करने पर लगे हुए हैं। लोरमी क्षेत्र के ग्राम गुरुवाइन डबरी धान खरीदी केंद्र में रखे हजारों क्विंटल धान के उठाव नहीं हुआ था और न ही अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान दिया था, जिसके चलते खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान भींग कर अंकुरित होने के साथ साथ खराब हो गया है, जिससे प्रशासन को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं आने वाले बारिश से होने वाले इस नुकसान होने की आशंका हमारे चैनल में खबर प्रकाशित किया गया था। विपणन अधिकारियों के द्वारा कुंभकर्णिया नींद में सोए होने के कारण शुद्ध नहीं लिया गया, जिसके चलते आज हजारों क्विंटल धान बरसात के बारिश के भेंट चढ़ गया है। अब अधिकारियों के द्वारा लीपा पोती कर अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। यदि समय रहते कोई पहल की गई तो नुकसानी से बचाया जा सकता था। अब दोषी केंद्र प्रभारी को बनाया जा रहा है। इस संबंध में केंद्र प्रभारी श्रवण कश्यप ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को धान उठाव कराने या बारदाना व्यवस्था कराने का आवेदन बार बार किया गया था, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया और बारिश के पानी भरने से धान अंकुरित होने के साथ खराब हो गया। सेवा सहकारी समिति गुरुवाइन डबरी लगभग 60,000 क्विंटल खरीदी हुआ है और परिवहन नहीं होने के कारण धान में शॉर्टेज आया है, सूखती भी आई है। तेज धूप के कारण धान का जो ऊपर का लेयर है वो भी 3 से 5 किलो सूख गया था और नीचे का जो लेयर है अभी भी तरीका से सड़ गया है। लगभग कितने इसमें नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है और अधिकारियों के द्वारा क्या बोले जा रहे हैं, क्या कारण है जो उठाव नहीं हो पाए हैं अभी तक? अब ये तो मेरे को मालूम नहीं है क्या कारण से उठाव नहीं हो पाया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो परिवहनकर्ता के द्वारा टीओ कटवा के रखा गया था जंडियाला रोड लाइन्स के द्वारा, लेकिन परिवहन बहुत देरी में हुआ है। परिवहन नहीं होने की वजह से धान के सड़ने की जो संभावना बनी उसी कारण हुआ है। वहीं मौके में गए लोरमी के खाद्य निरीक्षक HS छत्री एवं सहकारिता CO कैलाश कश्यप ने इस संबंध में मीडिया से बातचीत करने से मनाही कर दिया। वहीं कलेक्टर PS एल्मा ने बताया कि जिले के 10 खरीदी केंद्रों की धान नहीं उठ पाया है, जिसके चलते धान खराब हुआ है। मामले की जांच करवाते हैं और दोषी पाए जाने पर विभागीय अधिकारी कर्मचारी के ऊपर उचित कार्रवाई करने की बात कही। हाँ, ये हमारे करीब 10 सेंटर हैं जहाँ पर कुछ ज्यादा मात्रा में धान उठाने उठ नहीं पाया है। कुछ कुछ जगहों पे पानी गिरने के कारण खराब की स्थिति हो रही है, तो उसकी मैं नियमित समीक्षा करता हूँ 10:30 बजे और 5 बजे। तो आज भी मैंने किया है और एक दो दिन ही पूरी उसके निराकरण करने की बात कही है। दूसरा यह है कि अगर समिति प्रबंधक उस पर समुचित रूप से कार्रवाई नहीं करते हैं, उसके संबंध में अगर धान की व्यवस्था नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन TV।